चैनल कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और स्पेशल और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ गाजर के मीठे रोल। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे मौजूद रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन और उसे मैंने हल्की आँच से गर्म होने के लिए छोड़ दिया। उसमें ऐड करूँगी मैं घी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसमें ऐड करूँगी मैं गाजर। ये देख लीजिए आप, ये गाजर है और ये तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने गाजरें ली थी और उनको इस लंबाई में कटिंग कर लिया था। ये देखिए, ये काफ़ी मोटे मोटे साइज हैं, तो इसी साइज की आप कटिंग कीजिएगा। इसके अंदर जो वाइट हिस्सा होता है वो मैंने निकाल दिया, इनको मैंने छीला और इस तरह से लंबाई में इतनी मोटी मैंने गाजरें काट ली। अब घी को गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर ये गाजरें ऐड कर दूँगी और इनकी हल्की आँच पर मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी और फिर बाकी के इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, गाजरें हमारी हल्की फ्राई हो गई। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं चीनी। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको चाहिए। मैं इसके अंदर 4 चम्मच चीनी ऐड करूंगी। और अब जब चीनी अपना पानी छोड़ देगी तो इसमें ये गाजरें गल जाएंगी। अगर आपको फिर भी लगे कि ये थोड़ी कच्ची है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मजीद पका लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारी गाजरें अच्छे से तैयार हो गई। ये देखिए, बिल्कुल ये नरम हो गई है, गल गई है। मैंने इनको अच्छे से तैयार करके ठंडा कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है रोल की पट्टियाँ। मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को रोल की पट्टियाँ बनाने का तरीका बताया था। सेम वैसे ही तरीके से मैंने ये डो बनाई और उसी तरह से मैंने ये पट्टियाँ बेल के रख ली उसमें। और इसमें सिर्फ इतना फर्क था कि उसमें मैंने मसाले ऐड किए थे, इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल फीकी मैंने बनाई है, जस्ट थोड़ा सा ऑयल डाला और उसे मैंने फिक सी डो बना लिया। देखिए, पट्टियाँ तैयार है और अब इनको मैं थोड़ा छोटे साइज में कटिंग कर लूंगी। मुझे इतने बड़े साइज की पट्टी नहीं चाहिए है तो इसलिए मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। इस साइज की हम लोग पट्टी ले लेंगे। अब यहाँ से हम एक गाजर का पीस उठाएंगे और उसे ऐसे दरमियान में रख देंगे। अगर आपको ये बारीक लगे तो आप 2 गाजर के पीस डाल सकते हैं। मैंने भी 2 गाजर के पीस ऐड किए हैं। यहाँ पर मेरे पास है नारियल, जिसे आप खोपा भी कहते हैं, ये ले लीजिए। और इसको मैंने, ये देखिए, पीसेस के साइज में कटिंग किया हुआ है और ये एक पीस मैं यहाँ रखूंगी और इसी तरह से लाइन में मैं ये जो 4-5 पीस हमारे लगेंगे वो मैं इसके ऊपर रख लूंगी। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर मेरे पास है किशमिश, आपको जितनी चाहिए वो आप ले लें। ये बड़े साइज की थी तो मैंने इसलिए इसे कटिंग करके थोड़ा छोटा कर लिया है। अब ये थोड़ी थोड़ी मैं इसकी साइडों में लगा दूंगी। अगर आपको किसी और ड्राई फ्रूट का टेस्ट पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास खोया, ये भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बनाने का तरीका बता दिया था कि कैसे आप घर पे खोया बना सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा खोया ले लूंगी और उसे मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। जी तो व्यूज, ये देखिए, अब हम लोगों ने करना क्या है कि पट्टी को इस साइड से थोड़ा सा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ऐसे अब इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी लगा दूंगी और इसे राउंड कर लूंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, हमारा एक रोल तैयार हो गया। इसी तरह से मैं अपने सारे रोल जो है वो तैयार करके इन्हें मैं फ्राई कर लूंगी। व्यूअर्स, रोल हमारे अच्छे से तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया और अब ये रोल मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स, हमारे रोल जो है वो अच्छे से तैयार हो गए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।